मैं नहीं मानती इन सबूतों को। एक दादी कहीं से पकड़ लाए हैं जो पोती की दावेदार बनकर सामने आ गई है। एक बात याद रखिएगा भाई, आप जैसे सौदागरों के सामने आखिरी हद तक दीवार बनकर खड़ी रहूंगी मैं। अपना नुकसान कर लोगी बहुत। अपनों की पहचान हो गई है, इससे बढ़कर क्या नुकसान होगा। जी क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ एक सेकंड भी रुकना अपनी तौहीन समझती हूँ। बात मान ली होती तो इस तरह ना आना पड़ता। मतलब की बात करें? तुम्हें मिलवाना है किसी से। और मैं क्यों मिलूंगी किसी से? तुम किसी से मिलो ना मिलो, लेकिन उष्णा को मुझसे मिलना पड़ेगा। कहाँ है उष्णा? आप क्यों पूछ रही हैं और आप कौन हैं? मैं उष्णा की दादी हूँ और अपनी पोती को अपने साथ ले जाने के लिए आई। आओ मेरे साथ। क्या बात है, हैरान सी लग रही हो। ये क्या नया खेल खेल रहे हैं? ये वही खेल है जैसे शुरू तुमने किया था। मैं तो सिर्फ खत्म करना चाहता हूँ। न जाने कहाँ से एक दादी आ गई अपनी पोती को ढूंढते हुए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये किरदार आप सबका तख्लीक करता है और इसमें रंग भी आपने भरे हैं। बचपन से बहुत ज़हीन थी तुम, हमेशा से सब यही कहते थे। तो ये सवाल तो बनता है जो तुम कर रही हो। ये जो खातून यहाँ आई खड़ी है ना, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये पूरे सबूतों के साथ आई है और उनमें से एक सबूत तो पहचानती हो सर, फुरकान का बहुत अच्छा दोस्त था। ये है उष्णा का बाप, असली बाप। पीछे देखो, उसका एड्रेस भी मेंशन है। और अगर कहीं जरूरत पड़ी ना तो डीएनए का भी इंतजाम किया जा सकता है। सोचो कि ये बात मैंने तुम्हारे बजाय उष्णा को बताई होती, या ये खातून यहां आने के बजाय तुम्हारे उस महल नुमा घर में आई होती, तो जैनब किस किस को क्या क्या जवाब देती फिर? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ करना चाहता भी नहीं हूं। तुम दुश्मन थोड़ी हो मेरी कोई। सिर्फ एक काम करो, तुम ये निकाह रुकवा दो, ये वापस चले जाएंगे। इतना तो कर ही सकती हो अपने भाई के लिए। किस्मत भी क्या अजीब अजीब खेल खेलती है। मैं इन्हें ढूंढने का सोच रहा था और वो अपनी पोती की मोहब्बत में उसे ढूंढती हुई यहां तक आ गई। देखो जनाब, इतना तो मानना बनता है कि किस्मत भी मेरे साथ। वार तो आपने कर ही लिया है, अब इंतजार किस बात का है? गलत समझ रही हो तुम। एक मौका देना चाहता हूं तुम्हें भी और खुद को भी। सुफियान अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हारी बेटी को। तुम इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? नहीं, मैं नहीं मानती इन सबूतों को। एक दादी कहीं से पकड़ लाए हैं जो पोती की दावेदार बनकर सामने आ गई है। एक बात याद रखिएगा भाई, आप जैसे सौदागरों के सामने आखिरी हद तक दीवार बनकर खड़ी रहूंगी मैं। अपना नुकसान कर लोगी बहुत। अपनों की पहचान हो गई है, इससे बढ़कर क्या नुकसान होगा। मुझे डराने धमकाने में आप ये भूल गए कि मैं आपकी बहन हूं, सगी बहन। और आज से इस लम्हे से मैं भी भूल जाऊंगी क्या आप मेरे भाई, सब भाई। मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।